भगवान श्री कृष्ण अपना विषय में कहते हैं कि मुझसे आसक्ति प्रेम बढ़ाओ, मैं यहां सत्य मना, उसी में भगवत ज्ञान संपूर्ण लाभ हो जाए। मैं यहां सत्य मना प्रार्थ जुगम जिंजन मदाश्रय, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कहे कि भगवान तो हमारा सामने है नहीं, तो भगवान का आश्रय किस तरह से मैं करूं? इसलिए चौथा अध्याय में भगवान बताए एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षय, भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए और नहीं तो भगवान से जो परंपरा एक शिष्य से और एक शिष्य, जैसे भगवान पहले ब्रह्मा जी को बताया था, तो ब्रह्मा जी नारद जी को बताया और नारद जी व्यासदेव को बताया और व्यासदेव उनका शिष्य माध्वाचार्य आदि, इसी प्रकार परंपरा से भगवत ज्ञान लाओ। अवरह पंथा, ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, वो संभव है। जो व्यक्ति मनमाफी भगवत चिंतन करता है, भगवान का पास पहुंचने के लिए प्रयास करता है, उसको भगवत मिलना मुश्किल है। क्लेशा अधिकतर स्थान उनके लिए बहुत क्लेश है। और भगवान से, भगवान का विषय जो ज्ञान है, उसको यदि किसको प्राप्त होता है वो परंपरा से। इसलिए चार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, संप्रदाय से यदि आप भगवत ज्ञान लाभ करेंगे तो वो संपूर्ण है। असंशयन समग्र मां, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा और पूर्ण ज्ञान, क्योंकि मैया सत्य मना जोगम झुंझन मदाश्रय, मदाश्रय भगवान, ये तो भगवान का परंपरा सूत्र से जो आचार्य है उनका आश्रय ग्रहण करने से भगवत ज्ञान पूर्णता से लाभ होगा। उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा जो भगवान निराकार है कि आकार नहीं है, भगवान शून्य है कि भगवान का विग्रह है। अनेक विषय हम लोग को संदेह रह जाता है। यदि परंपरा सूत्र से आचार्य जैसा बताते हैं उस प्रकार हम लोग भगवत ज्ञान लाभ करेंगे तो वो संपूर्ण है। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं ज्ञानं से हम सभी ज्ञान इदम। ये जो अध्याय में भगवान अपने विषय में हम लोग को समझा रहे हैं, ये पूर्ण ज्ञान है और सभी ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान इंग्लिश में बोलता है थियोरिटिकल नॉलेज, ये जैसा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग पहले बताते हैं ये चीज ये वस्तु से बना हुआ है, फिर उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वो चीज बन सकता है और वस्तु से मिलकर के। तो एक चीज ज्ञान और एक चीज विज्ञान। ज्ञान है कि परमेश्वर कोई है, ये ज्ञान है, और वास्तविक परमेश्वर है उससे हम मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उनको निर्देश ले सकते हैं, वो विज्ञान। तो भगवान से संपूर्ण ज्ञान एक तो किताब शास्त्र आदि में मिलता है और जो वास्तविक आगे बढ़े हुए हैं वो भगवान से उनसे बातचीत करते, वो भी एक परिस्थिति है, उसको विज्ञान कहा जाता है। ये कोई हमारी बनाई हुई बात नहीं है, भगवान खुद कहते हैं त्रिशांग सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगं तं जेन माम उपयाति। तो वो जो भगवान से बातचीत करने की जो परिस्थिति है वो एक अवस्था विशेष है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। हमारा जो अभी इंद्रिय है जड़ इंद्रिय, ये इंद्रिय से भगवत ज्ञान नहीं हो सकेगा। ये इंद्रिय को प्राकृत इंद्रिय से अप्राकृत इंद्रिय में जाने पड़ेगा। है हमारा प्राकृत इंद्रिय बाकी वो ढका हुआ। प्राकृत भूमि अपान और वायु आगे जाके भगवान समझाएंगे। ये जो हमारा इंद्रिय है जैसे भगवान का इंद्रिय है हमारा भी इंद्रिय है। जैसे पिताजी है पिताजी का भी इंद्रिय है पुत्र का भी इंद्रिय। हाँ ये नहीं है जो पुत्र का इंद्रिय है और पिता का इंद्रिय नहीं है, ये बात नहीं। हाँ तो ये इंद्रिय जो हमारा भी है ये ढका हुआ है भौतिक वस्तु द्वारा। ये ढका हुआ जैसे हमारा शरीर ये कपड़े से ढका हुआ है, असल शरीर कपड़े का अंदर है। इसी प्रकार ये जो शरीर है भौतिक इसका अंदर में असल में मैं हूं। देह नस्मिन यथा देह कौमान जो बन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व नहीं है। तो ये जो ज्ञान और इसका चित्र से विज्ञान सम्मत समझना उसका नाम है विज्ञान। भगवत विज्ञान और आत्मविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान जब एक ही बात है तो भगवान खुद ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये जो मनुष्य शरीर है ये ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए है और कोई ज्ञान लाभ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ज्ञान लाभ करेगा, केवल भगवत ज्ञान। अर्थात ब्रह्म ही मनुष्य शरीर है तो भगवान परब्रह्म कृष्णा परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान वो खुद बताते। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम त्रिहम सब ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुमको बता रहा हूं। Saparashoka Dukha Chai Guchi Bhai Na chao Prabhu Na chao Se Mate Ah